और अभी हमने इनसे पूछा है तो इन्होंने कहा है कि इस कैंपस में कहीं शराब का बोतल मिला है। ऐसी बात आप बता रहे हैं, ये तो बहुत ही खराब बात है। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? और मैं तो अध्यक्ष महोदय के सामने ही कहूंगा, आप इजाजत करिए ये पूरे के पूरे चीज को एग्जामिन करने के लिए, आज ही हम सबको कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। शराबबंदी कानून को लेकर के पूरे बिहार में आज उथल पुथल मची हुई है। आज स्थितियां ये हैं कि जिस शराबबंदी कानून को लेकर के सभी दल ने अपना मत दिया था कि शराबबंदी कानून लागू होनी चाहिए बिहार में, आज बिहार की आवाम सरकार से एक सवाल कर रही है कि जिस शराबबंदी कानून को लेकर के आपकी पुलिस के द्वारा गरीब लोगों के घरों में छापे मारे जाते हैं, उनके घरों से अगर एक दो शराब की बोतलें निकल जाती है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन आज जब बिहार विधानसभा में शराब की बोतलें पाई गई तो क्यों नहीं किसी की गिरफ्तारी हुई? कौन है इसका जिम्मेवार? अगर आप उस बात को लेकर के नीतीश कुमार जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहना चाहती है बीटी न्यूज कि जिस शराबबंदी कानून को लेकर गिरफ्तारी होती है, उनका टेस्ट किया जाता है और उस टेस्ट को करने में अगर शराब पीने का थोड़ा सा भी अल्कोहल का अंश पाया जाता है तो उसे जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। आज हजारों जिंदगियां जेल में सड़ रही हैं सिर्फ आपके शराबबंदी कानून के वजह से। शराबबंदी अगर लोगों पर जारी है तो फिर आप पर भी लागू क्यों नहीं होता? आपके मंत्रालय पर लागू क्यों नहीं होता? आपके पूरे मंत्रिमंडल पर लागू क्यों नहीं होता? आपके सिस्टम पर उसका कानून लागू क्यों नहीं होता? जब एक आम लोगों के घर में शराब मिलती है तो उसे पकड़ के जेल में भेज देते हैं। तो आज बिहार विधानसभा में शराब की बोतलें पाई गई, आप में से कौन लोग गिरफ्तारी देने को तैयार हैं? पूछता है पूरा बिहार आज आपसे, जानना चाहती है बिहार की आवाम, वो जो ना तो शराब बेचते हैं न शराब रखने के हिमायती हैं, उनके घरों में माफियाओं के द्वारा जबरदस्ती शराब रख दिया जाता है, जिसे रखने को वो मजबूर होते हैं क्योंकि वो गरीब हैं, उनके रहने के लिए उनके घर के ऊपर छत नहीं है, मवेशी के पालने के जगह में, मवेशी के चारे के जगह में उस शराब को छिपा करके रखा जाता है। आपकी पुलिस जाती है पकड़ती है, लेकिन उन माफियाओं को तक नहीं पहुंचती आपकी पुलिस जिसने वो शराब रखने पर, उस व्यक्ति के घरों में रखने पर उसे मजबूर किया है। आप उस व्यक्ति को पकड़ रहे हैं, आपकी पुलिस उसको पकड़ रही है जो आवाम है, जो निरीह है, उसका गलती सिर्फ इतना है कि वो गरीब है। अगर वो गरीब नहीं होता तो चैलेंज करता हूं आपके पूरे सिस्टम को कि आपकी पुलिस छापेमारी नहीं करेगी। छापेमारी उन्हीं के यहां होती है जो मजबूरी के तौर पे डरे हैं, सहमे हैं उन माफियाओं से, उन गुंडों से, जिन गुंडों के द्वारा ये शराब की खेती की जा रही है। जब लोगों के घरों में शराब की बोतलें पाई जाती हैं तो लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है, और जब बिहार विधानसभा में शराब की बोतलें पाई जाती है तो आप जांच कराने की बात करते हैं, जब फिर वही कानून वही व्यवस्था उन पर भी जारी करना चाहिए, उन पर भी लागू करना चाहिए आपको जिनके यहाँ शराब मिली। शराब मिलने के बाद उनकी भी जांच हो, अगर वो शराब उस गरीब व्यक्ति का नहीं है, उसके यहाँ किसी ने रखा है, इसकी जांच कराए बिना आप गिरफ्तारी कैसे कर लेते हैं? अगर गिरफ्तारी करते हैं तो गिरफ्तारी आपकी भी होनी चाहिए, आपके सिस्टम की भी होनी चाहिए, आपके मंत्रिमंडल की होनी चाहिए, क्योंकि बिहार विधानसभा को शर्मसार कर दिया आपका एक कानून, बिहार विधानसभा के को शर्मसार कर दिया। कान खोल करके सुन लीजिए, सारे मंत्रीगण से कह रहा हूं कि ये शराबबंदी कानून आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि 10 साल 11 साल 12 साल 15 साल के बच्चों से होम डिलीवरी कराई जाती है शराब की, बच्चे शराब की होम डिलीवरी कर रहे हैं। आने वाली पूरी की पूरी पीढ़ी जिसे आप सुधारने की बात करते हैं, जहां जागरूकता की बात होनी चाहिए वहां आप कानून लेके आते हैं, और जहां कानून लाने की बात होती है वहां पे आप जागरूकता की बात करते हैं। ये वोट बैंक की राजनीति बिहार के इतिहास को पलट के रख दिया है, लोगों को जीना मुश्किल कर दिया है।
आपके इस एक कानून के वजह से लोग आज इतने डरे सहमे हैं कि कोई कहीं जाता भी है तो उसे लगता है कि कहीं मेरे आस पड़ोस में कोई शराब लेकर के तो नहीं बैठा है। अगर मेरे आस पड़ोस में कोई शराब लेके बैठा है, कहीं पुलिस हमें तो नहीं पकड़ लेगी। जांच अगर कराने की बात करते हैं, कोई शराब पीकर पी लेता है तो उसे पकड़ के पुलिस आपकी जेल में बंद करती है, उसे टेस्ट किया जाता है, उसे अस्पताल ले जाया जाता है, वहां उसकी जांच होती है कि अल्कोहल इसके शरीर में कितना है। तो फिर जब बिहार विधानसभा में शराब की बोतलें पकड़ाई तो आपके मंत्रियों को, वहां के सुरक्षा कर्मियों को, वहां रहने वाले लोगों को, वहां के विधानसभा के कर्मचारियों की जांच क्यों नहीं हुई? ये सवाल बीटी न्यूज नहीं, पूरे बिहार की आवाम आपसे कर रही है, पूछ रही है कि उस सिंहासन पर बैठ करके आप क्या दिखाना चाहते हैं, वो कानून किस बात का जो लोगों की हिफाजत नहीं कर सके। आज लोग जहरीली शराब पी करके मर रहे हैं, दर्जनों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग आहत हुए हैं। कौन देखेगा, कौन करेगा? सुनने में आया है कि आप पूरे बिहार का दौरा करने वाले हैं, रोजगार को लेकर के ये बात आप क्यों नहीं करते? रोजगार को लेकर के आप पूरे बिहार में क्यों नहीं घूमते कि हमें रोजगार की भी आवश्यकता है, यहाँ के युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है, उसे रोजगार देंगे, और हर एक जिले में जाकर के आप रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं करते? शराबबंदी, शराबबंदी, शराबबंदी क्या है? ये सोचने वाली बात है। झारखंड में शराब बैंड नहीं है, उत्तर प्रदेश में शराब बैंड नहीं है, नेपाल से भी शराब आ जाती है आपके यहाँ, झारखंड में भी शराब बैंड नहीं है, पश्चिम बंगाल में शराब बैंड नहीं है। जब आपके चारों तरफ जब शराब का बैंड ही नहीं है तो आप बीच में शराब को रोक कैसे पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक गरीब आदमी के यहाँ माफिया लोग शराब रखवाते हैं और वो शराब पुलिस पकड़ती है और वो गरीब लोग को बैठा करके जीप में जेल पहुंचाती है। और आज विधानसभा में शराब पकड़ाया, लेकिन ना तो कोई बात हुई, ना किसी की गिरफ्तारी। ये दोगली रणनीति सही नहीं है, दोरंगी नीति अपनाने वाले लोग ये सोच लें कि बिहार की आवाम कभी उन्हें माफ नहीं करेगी। जो बच्चे, जिनके गार्जियन, जिनके पिता, जिस बच्चे के पिता जेल में कैद हो जाते हैं बेवजह, उनका गुनाह सिर्फ ये होता है कि वो समाज के सबसे निचले पायदान पर जीने वाले लोग होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, उनके यहाँ माफियाओं के द्वारा शराब रखवा दिया जाता है, जिसकी जांच आपकी पुलिस नहीं करती, सीधे उसे उठा करके जेल में पहुंचाती है। और विधानसभा में जब शराब पकड़ाता है तो आप जांच की बात करते हैं, है ना शर्मनाक बात? अगर दोस्तों आपको लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिहार की आवाम ये बात पूछ रही है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।